नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबके स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। मुख्यमंत्री राउत स्थानीय सत्ता के ईमानदार होब पर आवश्यक रह जिक्र केने मुख्य प्रसंग से। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रदेश में सुशासन कायम कर स्थानीय सत्ता के ईमानदार होब परत आवश्यक रह जिक्र केने सन। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अंतर्गत प्रादेशिक सुशासन केंद्र बर्दीवास में आयोजना कैल गेल स्थानीय तह के संस्थागत सब मूल्यांकन संबंधी समीक्षा एवं अनुशिक्षण कार्यक्रम के उत्सव उद्घाटन करते मुख्यमंत्री राउत यह बात जिक्र कलत। कर्मचारी तंत्र के सहयोग बिना अनियमितता होब ही नहीं सकत जिक्र करते मुख्यमंत्री राउत। जनप्रतिनिधि के नियम कानून बुझाव जिम्मा समेत स्थानीय सत्ता अर्थात कर्मचारी सबके रहल उल्लेख केने छन। सुशासन कायम केनाय पहिल डेग सब स्वमूल्यांकन रहल उल्लेख करत। ओ स्वमूल्यांकन के प्राथमिकता में राख स्थानीय तह के प्रशासकीय अधिकारी सबके निर्देशन समेत दिलन। प्रदेश के अधिकांश स्थानीय तह स्वमूल्यांकन नतीजा प्रकाशन कर नहीं सकल दिस इकित करत मुख्यमंत्री राउत कहलत। अपन मूल्यांकन समेत अपना से कर नहीं सकल छी त केना कऽ सुशासन संभव हैत। जनप्रतिनिधि सब एकेटा निश्चित अवधि मात्र रहल मुदा कर्मचारी सब लंबा समय रहला से सुशासन कायम कराब लेल अधिक भटका दायित्व कर्मचारी सब के कंधा में रहल हुनकर कहब अछि। प्रदेश में भ्रष्टाचार अंत के लेल जन लोकपाल आयोग गठन कर चुकल जानकारी करबैत मुख्यमंत्री राउत अनियमितता कर वाला जे कोई है उनका कार्यवाही कर अधिकार आयोग के रहला से सचेत रह समेत हुनकर जिक्र छल। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम के प्रादेशिक निर्देशक एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव यम प्रसाद भूसाल के अध्यक्षता में भेल एक कार्यक्रम में प्रमुख सचिव हरि प्रसाद मैनाली, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के सह सचिव बसंत अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव विष्णु ढकाल सहित के उपस्थिति देखल गेल छल। कार्यक्रम में प्रदेश स्थित स्थानीय तह के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सब के सहभागिता सेहो रहल अछि। धनसा के धनसाधाम नगर पालिका दू धर्मपुर के सार्वजनिक पोखर में माई आ बेटा के लाश भेटल अछि। स्थानीय अशोक सिंह के पत्नी अंदाजी 28 वर्षक अर्चना सिंह आ हुनकर बेटा 4 वर्षक कुश कुमार के लाश पोखर में भेटल अछि। स्थानीय पोखर में लाश देखलाक बाद प्रहरी के खबर केने छल। घटनास्थल में इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेबर के टोली पहुँच कर माई आ बेटा के लाश पोखर से निकालने जानकारी दिलन। त लाश पोस्टमार्टम के लिए जनकपुर पठाब तैयारी भ रहल प्रहरी जानकारी देने अछि। पति घर में नहीं रहल समय ओ महिला आ हुनकर बेटा के लाश पोखर में भेटल बाद घटना रहस्यमय बनल अछि। अखन घटना के रहस्य बाहर आब नहीं सकल तेना प्रहरी घटना के अनुसंधान शुरू केने जानकारी दिलन। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले के विरोधे के बीच प्रतिनिधि सभा बैसल बैसार विनियोजन विधेयक 2078 के पारित कैल गेल अछि। सोमदिन बैसल बैसार में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा विनियोजन विधेयक 2078 पारित गरियोस कह के आगा सारने प्रस्ताव के बहुमत से पारित कैल गेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले के अवरोधक बीच विधेयक पारित कैल गेल अछि। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बैसार शुरू केने संगे एमाले के सांसद नाराबाजी करैत रोटर्स घेराव सेहो केने छलनि। विनियोजन विधेयक ऊपर के छलफल में उठल प्रश्न के जवाब दैत अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा पूर्ववर्ती सरकार अन्य बजट में 3% मात्रे बजट हेरफेर कैल गेल तथा राष्ट्रीय हित आ जन आकांक्षा के प्राथमिकता में राखि कऽ बजट व्यवस्था केने हुनकर कहब छल। के अनुरूप वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको अंश 37 अर्बले घटाएको छ र स्रोत साधनको वितरणलाई समन्यायिक बनाउन क्षेत्रीय र भौगोलिक सन्तुलन मिलाउने प्रयत्न गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका योजना, रूपान्तरणकारी योजना र कर्मागत प्रतिकृतिका योजना तथा कार्यक्रमलाई पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन सहित निरन्तरता दिइएको छ। सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरिएको छ। क्यान्सर रोगी, मृगौला प्रत्यारोपण गरिएका र मेरुदण्ड पक्षघात भएका नागरिकलाई उपचार खर्च बापत मासिक 5,000 रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ। त्यसै गरी कोभिड-19 का कारण आय आर्जन गुमाई मानिसहरूले भर्खरै उठाउनु भएको थियो मजदुरहरूको बारेमा र सरकारले यहाँ प्राथमिकता दिएको छ र आर्थिक रूपले अति विपन्न भएका परिवारलाई एकपटकको लागि 10,000 राहत उपलब्ध गराउने कुरा पनि म भएको कुरा जानकारी।
प्रतिनिधि सभा से पारित विनियोजन विधेयक राष्ट्रीय सभा में जाए आ राष्ट्रीय सभा पारित कलाक बाद विधेयक कार्यान्वयन में आनल जाए। बीतल भादो 25 गते प्रतिनिधि सभा में अर्थमंत्री शर्मा पूर्ववर्ती सरकार अन्य बजट के प्रति स्थापना विधेयक प्रस्तुत केने छलै। तहिना बैसार से दू विधेयक स्वीकृति कैल गेल अछि। बैसार में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा प्रस्तुत केने आर्थिक विधेयक 2078 आ राष्ट्रीय ऋण उठाव विधेयक 2078 बहुमत से स्वीकृत कैल गेल अछि। आर्थिक विधेयक ऊपर के दफावार छलफलक लेल सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा या असोज 7 गते के लेल छलफल के मिति तोकने छैन। ऐसे पहिनहु विनियोजन विधेयक के पारित कर से पूर्व सांसद प्रेम सुवाल रखने खर्च कटौती के प्रस्ताव के बहुमत से अस्वीकृत कैल गेल छल। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैसार या असोज 7 गते दिनक 2 बजे के लेल बजाओल गेल अछि। आजू दिन से 16 श्राद्ध शुरू भेल अछि। हिंदू धर्म में पित्र के उद्धारक लेल 16 श्राद्ध कैल जाइत अछि। चंद्रमा अनुसार आसिन कृष्ण पक्ष के पृति पक्ष वा सामान्य बोली चाली के भाषा में 16 श्राद्ध कहल जाइत अछि। एक पक्ष में 15 तिथि अछि तो भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से आसिन औसी धरि के 16 तिथि में श्राद्ध कैल गेला से अ समय में कैल जाय वाला श्राद्ध के 16 श्राद्ध कहल जाइत अछि। 16 श्राद्ध में प्रति पत्ता तिथि से 15 दिन पृतक के स्मरण में कैल जाय वाला दान पुण्य के 16 श्राद्ध कहल जाइत अछि। अय 15 दिन भीतर अपन दिवंगत के पुण्यतिथि में तर्पण आ पिंड दान कर परंपरा चलत आयल अछि। मिथिला में आजू से जमरे औसी धरि 15 दिन तक नजदीक के जलाशय में जाकर तर्पण कर दिवंगत पीर्त के जल अर्पण कैल जाइत अछि। तहिना तर्पण देला से पीर्त अपन संतति के ऋण मुक्त पीर्तक सप्रति के दायित्व बोध केनाय आ चित्त शुद्ध करबाक धार्मिक मान्यता रहैत आयल अछि। दिवंगत पीर्त के याद में तर्पण लेल जनकपुर धाम स्थित पवित्र सरोवर गंगा सागर में आज भिनसरे से भीड़ देखल गेल छल। वैदिक परंपरा अनुसार प्रत्येक महीना में पर्व वाला औसी तिथि में पीर्त सब के श्राद्ध कर पर नीति उल्लेख कैल गेल अछि। जनकपुर धाम भ्रमण में रहल नेपाल के पूर्व युवरागिनी हिमानी साय जनकपुर धाम के एक विद्यालय में फिल्टर रहित खाने पानी बोतल वितरण केने छथि। रवि दिन जनकपुर धाम पहुँचल पूर्व युवरागी सोम दिन जनकपुर धाम के सकल भवन कन्या मामी के विद्यार्थी सबके लेल खाने पानी बोतल वितरण केने छथि। हिमानी ट्रस्ट के माध्यम से वितरण कर जनकपुर धाम आयल हिमानी कन्या मामी के करीब 400 विद्यार्थी के पानी सफा करे वाला खाने पानी बोतल वितरण केने छैन। वितरण कर से पहिने युवरागी सा विद्यालय के भौतिक निर्माण संबंधी अवस्था के विषय में निरीक्षण केने छलथि। कोरोना महामारी के मद्देनजर करैत सा भौतिक दूरी कायम कऽ विद्यार्थी सबके खाने पानी सामग्री वितरण केने छथि। रवि दिन जनकपुर धाम पहुँचल सा विमानस्थल से उतरते जानकी मंदिर में दर्शन के लेल पहुँचल छलथि। दुखी परिवार विपन्न सबके लेल सहारा के रूप में रहल हिमानी ट्रस्ट विभिन्न समय में नेपाल भरि सहयोग करैत आयल अछि। संविधान दिवस 2078 के अवसर में जलेसर कारागार से 10 गोटे कैदी बंदी के रिहा कैल गेल अछि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 अनुसार देश भर के 523 कैदी बंदी सबके आम माफी देने छथि। जलेसर कारागार में रहल 9 गोटे पुरुष आ 1 गोटे महिला कैदी बंदी के रवि दिन घर घुराओल गेल अछि। रिहा भेल सब मध्य 1 गोटे महिला तथा 4 गोटे पुरुष कर्तव्य जान मुदा में रहल छलनि। 5 गोटे सवारी जान मुदा के कैदी बंदी रहल कारागार प्रमुख गणेश मिश्र जानकारी देलनि। रिहा भेल सब में धनसा जिला के लक्ष्मण राम लक्ष्मण यादव तथा सुंदर यादव दिलीप महतो आ संजय पंडित रहल छन्त सरलाही जिला के शैल देवी रहल छन्। तहिना क महतरी के राम प्रकाश महरा धनसा के सत्यनारायण मुखिया ज्ञान बहादुर मगर महतरी के महादेव मंडल तथा कयूम नफाद रवि दिन कारागार सब विदा भेल छन्। ओ सबके फूल माला लगा कर विदा कैल गेल। जेलर मिश्र के कहब अछि रिहा भेल सबके 1.5 वर्ष से लकर 9 वर्ष धरि के सजाए काटने कैदी सब बंद कैदी बंदी सब मध्य एक रहल मिश्र के कहब अछि। महतारी प्रहरी आर के एक्स्ट्रा नाच रोक में स्थानीय तक के जनप्रतिनिधि असहयोग केने हुनकर उपराग अछि। महतारी के प्रहरी प्रमुख दिनेश आचार्य जनप्रतिनिधि के असहयोग के कारण आर के एक्स्ट्रा नाच पर पूर्ण रूप में रोक लगाव नहीं सकल बतौलन। आर के एक्स्ट्रा नाच के कारण से समाज में विकृति आ आपराधिक घटना बढ़त गेल जिकि करत बृहस्पति दिन महतारी जिला प्रहरी भरि में क
कतौ एहन प्रकारक नाच नै कर देबाक लेल माथाके निकायके निर्देशन देने छलथि। मुदा शनिके राति महतरीके सोनमा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 सुन्दरपुरमे आरके एक्स्ट्रा नाचमे भेल विवादसँ रवि दिन दुपहरमे दू पक्ष बीच झड़प भेलामे एक गोटेके मृत्यु भेल अछि। तहिना अन्य दू गोटे एहि झड़पमे घायल भेल छनि। आरके एक्स्ट्रा जिला भरि प्रतिबन्ध लगाएल गेलो पर केना एहन घटना भेल प्रश्नमे एसपी आचार्य जनप्रतिनिधिके असहयोगके कारण एहन घटना घटल हुनकर जवाब छल। आरके एक्स्ट्रा नियन्त्रण करब प्रहरीके दिशसँ होबयवला पूर्ण कोशिश कयल गेल अछि। हमसभ कयल आ परसुखन बहुत आरके एक्स्ट्रा कलाकार सभके नियन्त्रणमे लेलहुँ। ओ कहलथि तैयो कोनो न कोनो ठामे एहन गलत क्रियाकलाप रोकऽ गेलमे प्रहरीके विरोध केनाइ साथ नहि देनाइ प्रोत्साहन करय जेहन गतिविधि जनप्रतिनिधि लगायतके पक्षसँ भेलाके कारण हमसभ पूर्ण रूपमे एहिके नियन्त्रण करय नहि सकलहुँ। यद्यपि बहुत हद धरि नियन्त्रण भेल अछि। ओ सोनमा गाँवपालिकामे भेल घटनाके गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान कै रहल आधिक बातसभ खुलऽ एखन बाँकी रहल जिक्र कयलथि। आर्केस्ट्रा नाच रोकब पूर्ण रूपमे अपनेसभ लागि पड़ल एस पी आचार्यके कहब अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। रूस के परम शहर में भेल एकटा विश्वविद्यालय में गोलीबारी के क्रम में 8 गोटे के मृत्यु भेल अछि, अधिक गोटे घायल भेल अछि। हमलाकर्ता एहि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आ ओहि हिरासत में रहल समय घायल भेल छल। परम स्टेट यूनिवर्सिटी मेक्सिको से पूर्व दिशा में 13,000 किलोमीटर दूर अछि। पीबीसी संवाददाता के अनुसार स्थानीय समय अनुसार भिनसर 11 बजे एक गोटे हथियारधारी व्यक्ति परम यूनिवर्सिटी में प्रवेश कऽ कऽ गोलीबारी शुरू केने छल। हमला भेलाक बाद किछु विद्यार्थी आ अध्यापक अपन भवन भीतर बंद केने छलनि। तऽ घटनास्थल में मोबाइल से घिचल गेल वीडियो में किछु आदमी सब खिड़की से नीचा कूदक रहल समेत देखल गेल अछि। बेस तऽ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।